नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीबों के हक में आवाज बुलंद करते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। राजस्थान के बारा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना की शुरुआत में विपक्ष ने हमेशा रोड़े अटकाए हैं। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान अपने नए नारे को भी दोहराते हुए कहा, पूरी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। वहीं इससे दो दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी रैली में केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल को तुरुप के इक्के की तरह फेंका और कहा कि अब लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा और लोग कांग्रेस को वोट देंगे। राहुल ने प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी केवल अमीरों के लिए काम करती है, आम आदमी के बारे में उसके पास कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण विधेयक की चर्चा की। हम यहाँ बड़े भाषण नहीं कर रहे, जो भी हमने आपको कहा है, चाहे वो नरेगा की बात की, भोजन के अधिकार की बात की, सिंचाई की बात की, बिजली की बात की, हमने करके दिखाया है। ये फर्क है हम में और उनमें। आप यहां दूर दूर से आए, मैं आपको सिर्फ अंत में एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, ये युवाओं का देश है और इस देश में ज्यादा से ज्यादा युवा गरीब है। उनके पास बहुत सपने हैं, कोई रोजगार चाहता है, कोई रेल चलाना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई बिजनेस चालू करना चाहता है। फूड सिक्योरिटी बिल लाए, अब ये नारा बदल गया, आपको मालूम होना चाहिए, पेट भर के रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। बिना बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम लिए राहुल गांधी ने कहा कि मोटे भाषणों से कोई काम नहीं होता है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस का गरीबों के हितैषी होने का दावा करना पसंद नहीं आया। तुरंत उस पर प्रतिक्रिया आ गई। ये पार्टी वो पार्टी है जिसने 5 लाख करोड़ की सब्सिडी जो है बिजनेस हाउसेस को और अमीर लोगों को दी है, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, और वहीं पर जो है गरीबों के जो राशन है और उसको बनाने के लिए जैसे गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर है, उस पे कुछ 100 रुपए की सब्सिडी थी एक सिलेंडर के ऊपर, जहां 400 रुपए को बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया है, और 32 रुपए से ऊपर वाला अगर इनके यहाँ अमीर होता है तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हीं 32 रुपए से ऊपर 33, 34, 35 रुपए कमाने वाले अमीरों के लिए काम करते हैं, और ये शायद लाखों हजारों करोड़ रुपया कमाने वाले गरीबों के लिए काम करते हैं। सपनों की बात थी जो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी में दिखाए थे, और उन्हीं के पोता जो है वो भी आज उन्हीं सपनों को दोहरा रहा है, और उसके लिए देश और समाज 1971 में ही खड़ा हुआ है। रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की रैली के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ये पहली रैली थी। नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी रैली के अपने भाषण में केंद्र की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी थी, जबकि कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता वापसी का सपना देख रही है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरियाणा कांग्रेस के नेता तरुण भंडारी, हरियाणा मीडिया इंचार्ज संजीव खारू हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे भी मौजूद हैं। संजीव जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती, किस तरह से आप देखेंगे दोनों भाषणों को? पहले रेवाड़ी में रैली में जमकर नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया, उन्होंने तमाम कमियां गिनाई कि उसी की वजह से जो देश की इस वक्त हालत है। आज हमने जब राजस्थान में राहुल गांधी को सुना तो उन्होंने उन्हीं नीतियों की, बहुत सारी उनकी जो योजनाएं हैं उनको जनता के सामने पेश किया। खाद्य सुरक्षा बिल पास हो चुका है संसद से, भूमि अधिग्रहण बिल पास हो चुका है, मनरेगा की बात की, मनरेगा कहते हैं, मनरेगा ने 2009 के चुनाव कांग्रेस को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए, तो हम बात यह है कि राहुल गांधी ने जो आज गरीबी हटाओ और जो आधी रोटी की जो पूरी रोटी की जो बात करी है, इससे कुछ दिन पहले उन्होंने राजस्थान में एक और रैली करी थी, उसमें 4 से 5 रोटी की बात की थी। तो राहुल गांधी को तो अल्टीमेट एक कन्फ्यूज़न है उनके अंदर कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। आज़ादी के 60 साल बाद अगर आप 5, 7 रोटी, 8 रोटी की बात कर रहे हैं, मीन्स कि आपके कहीं ना कहीं जो आपकी नीतियाँ अभी तक रही है 60 सालों में, उसमें उसकी खामी है।
आप नरेंद्र मोदी पे अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी पे हमला बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई भारत में सत्ता पे रहे भी नहीं है, एक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी 5-1 साल सत्ता में रही है। तो 5-1 साल सत्ता और 55 साल के अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा विपक्ष को आप बाधक नहीं बता के अपनी जिम्मेवारियों से भाग सकते हैं। लेकिन जो दूसरी अहम बात है, भूमि अधिग्रहण बिल की बात आप कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल आप कब लेके आए हैं? भूमि अधिग्रहण बिल आप तब लेके आए हैं जब देश में बहुत सारी जो अच्छी भूमि थी वो बिल्डरों के हाथों में जा चुकी है, कॉरपोरेट हाउसेस के हाथों में जा चुकी है। आज भूमि अधिग्रहण बिल को आपको याद आ गई, पूरे देश में हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन जो है कई राज्यों में बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस ने औने पौने दाम में खरीद लिया, 10 साल से आपकी सरकार थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल आज आप लेके आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये खाद्य सुरक्षा बिल जो आप लेकर आए हैं, उस खाद्य सुरक्षा बिल के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपका राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब हम मनरेगा योजना लेकर आए थे तब भी विपक्ष ने कहा था कि पैसा नहीं, कहां मैं से वही आएगा, तो कर रहा हम उसके लिए लेके आए हैं। योजना अगर मनरेगा योजना अगर इतना ही ग्राउंड लेवल पे सफल होता तो बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो चुनाव हुए राज्यों के, वहां पे कांग्रेस की हालत अच्छी हो जाती। अगर मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन सही होता ग्राउंड लेवल पे, हर जगह रिपोर्ट आई है। फायदा तो पहुंचा था 2009 के चुनाव में। 2009 के चुनाव में जो आंकड़ों का जो हेर फेर है, आप एक चीज देखिए, 2009 का चुनाव राहुल गांधी मनमोहन सिंह की जीतने थी, वो जीत थी राजशेखर रेड्डी की जीत थी, आंध्र प्रदेश में आपको 33 सीटें आई थी। वो राजशेखर रेड्डी का जो अपना एक कमाल था, पर्सनैलिटी कमाल था, वो आप 30 सीटें इजाफा लेके गए। वेस्ट बंगाल में आपको 14-12 सीटें आई, ममता बनर्जी के साथ आपका गठबंधन था, 40 सीटों का इजाफा तो आपको दो राज्यों से हो रहा है। क्रेडिट आप मनरेगा को दे रहे हैं, क्रेडिट आप उन लोगों को नहीं देना चाहते जिन्होंने जमीन पे कांग्रेस को सीटें दिलवाई। यानी योजनाओं का इतना असर योजनाओं आपको नहीं लगता कि पड़ेगा? योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अगर सही ढंग से इस देश में हो तो ये 5-10 साल बाद आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आधी रोटी की बात आज नहीं करते। अगर आप योजना को सही तरह से इम्प्लीमेंट इस देश में कर देते जो भी योजना आप लागू करते हैं, तो ये आजादी के 60 साल बाद आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि 5 रोटी खाएंगे, पूरी रोटी खाएंगे, ये तो कोई मतलब नहीं। जो नारा आज राहुल गांधी ने राजस्थान में दिया है वो सिर्फ क्या क्योंकि अब चुनाव सर पर है, सिर्फ उसे देखे कि पूरी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को लेकर आएंगे? आज तक ऑपोजिशन हमेशा ये बात करता आया है कि हमारे खाद्य सामग्री जो सड़ रही है, गल रही है, उसको आप लोगों में क्यों नहीं बांटते? अब ये जब लोकसभा में ये खाद बिल पास किया है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम होगी कि पैसा कहाँ से आएगा। मनरेगा, भाई साहब ने कहा कि राजशेखर रेड्डी भी कांग्रेस के थे, कोई बाहर के नहीं थे वो, जो भी लोग कांग्रेस के, अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदौलत 9 सीटें आ रही हैं तो कांग्रेस के ही वो कार्यकर्ता हैं उनकी। अगर आज मोदी जी वहाँ जीत रहे हैं तो वहाँ बीजेपी नहीं जीत रही, मोदी जी जीत रहे हैं, पार्टी तो वो बीजेपी में ही है ना। अगर योजनाएं कांग्रेस की अच्छी होंगी तभी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री जाके अगर लोगों में बात अपनी वोट मांग सकता है। एक मिनट इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा कि वाई राजशेखर रेड्डी कांग्रेस में थे, ठीक है, जब आज उनका बेटा कांग्रेस छोड़ के जगन मोहन रेड्डी पार्टी छोड़ के चला गया है तो कांग्रेस की लगातार वहां हार हो रही है, आप उसको किसको क्रेडिट देंगे? जब आपकी पार्टी लगातार वहां हार रही है राजशेखर रेड्डी को छोड़ते ही, तो आप किसको कहेंगे? कांग्रेस के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का इतना असर होता तो यानी यहाँ पे जो बातों से लग रहा है क्या व्यक्तित्व का असर पड़ रहा है? जैसे हम पहले भी बात करते रहे कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्तित्व के तौर पर जब वो रेवाड़ी में भी आए हैं तो लोग पहुंच रहे हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी को सुनना है। बीजेपी के संजीव के पास एक बार मैं जाना चाहूंगी। संजीव, पार्टी की बात बाद में आ जाती है, पहले व्यक्तित्व की बात आ जाती है। आपको क्या लगता है कि जो रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी का भाषण था और जब हम राहुल गांधी को सुन रहे हैं, उन्होंने केंद्र की नीतियों पर केंद्र को आड़े हाथों लिया और यहाँ पे राहुल गांधी ने अपनी योजनाओं की अपनी उपलब्धियां गिनाई। मोदी जी ने जो रेवाड़ी रैली के अंदर बोला, पूरा जो 60 मिनट से ज्यादा का जो भाषण रहा उनका, उन्होंने ना सिर्फ देश की सुरक्षा को लेकर बात की, उन्होंने देश के जो हित हैं उनको लेकर जो योजनाएं हो सकती हैं या जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी है उनके नेताओं को करनी चाहिए वो वहां तक का सवाल उठाया। पाकिस्तान जैसे देश, चाइना जो 20 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, देश की सुरक्षा जो सबसे पहला शायद प्राथमिक एक मुद्दा होना चाहिए, उस पर बात की पूर्व सैनिक रैली के अंदर, और उसमें पूर्णतः फेल है कांग्रेस सरकार।
और आज राहुल गांधी 60 साल के बाद, और 60 साल छोड़िए, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, सैटेलाइट की बात करते हैं, मोबाइल्स की बात करते हैं, स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, और आज राहुल गांधी जो अपने आप को कांग्रेस के और भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आज भी वो रोटियों की बात कर रहे हैं, आज भी भरपेट रोटियों की बात कर रहे हैं। पांडे जी ने ठीक कहा, अभी उनमें कन्फ्यूजन है कि 4 दिन पहले वो 4 रोटियों की बात करते हैं, आज भरपेट। क्या कांग्रेस के सारे नेताओं का यही हाल है? कभी वो 5 रुपए के भरपेट थाली, कभी 12 रुपए की भरपेट थाली, कभी 4 रोटियां, तो कभी, मतलब पूरा सिस्टम हिला हुआ है। मतलब ऐसा लगता है कि मोदी जी के आने से जो बौखलाहट कांग्रेस के नेताओं में है वो साफ उनके भाषणों में और उन चीजों में झलक दी। किस तरह की बौखलाहट दिख रही है? संजीव जी ने बात करी मोबाइल की और आईटी की। मैं जब राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कंप्यूटर हिंदुस्तान में लेके आए थे, और सबसे पहला ग्वालियर में रेलवे स्टेशन जो कंप्यूटराइज्ड हुआ था, तो उसमें ऑपोजिशन ने सबसे बड़ा अड़ंगा बीजेपी ने ये अड़ाया था कि अगर ये कंप्यूटर शुरू हो गए तो एक कंप्यूटर 1000 आदमी का काम करता है, हमारे देश में बेरोजगारी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, और इन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा करा करा, और इन्होंने कंप्यूटर का भी विरोध करा, इन्होंने हर स्कीम का और भूमि अधिग्रहण बिल की ये बात करते हैं, हर स्कीम का इन्होंने, एक मिनट, इनको अपनी बात पूरी, एक मिनट, बात पूरी कर लेना, उसके बाद आप जाओ। जो भी हिंदुस्तान में आज तक स्कीम आई है पिछले 10 साल में, ऑपोजिशन का आप रोल देख लीजिए, कोई भी काम है आपका, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक, एक जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, आपका कॉरिडोर बनना था, उसमें इन्होंने आज तक उसमें मुद्दा ही नहीं आने दिया, कभी कुछ कभी कुछ, संसद चलने ही नहीं दी इन्होंने कभी भी आज तक। और ये कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर राजीव गांधी जी की बदौलत आया था, जो आज मोबाइल भी है, आईटी में भी, जो भी कहना चाहता हूं कि उस कंप्यूटर एज में, आज 21वीं सदी में आप भरपेट की बात कर रहे हैं, अभी भी आप वही भुखमरी तक, आप सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए गरीब जनता को, 67% लोगों को भरपेट भोजन देने की बात हो रही है, और हम भी ये सच जानते हैं कि देश की जो तमाम आबादी है दिखाने का वो अभी उसका पेट भरा नहीं है, सिर्फ सपने अधिकार है, राहुल जी ने कहा ये अधिकार है, कोई आदमी भूखा ना मरे हिंदुस्तान में, इसलिए ये बिल लाया गया है। और अगर बीजेपी ने भी इसमें वोट, मजबूरी में वोट डालनी पड़ी, आज 81 करोड़ लोगों को निभाई, इसका फायदा मिलेगा। क्या ये जितने बिल पास हुए हैं क्या विपक्ष की सहमति से नहीं हुए? विपक्ष ने अपनी पूरी तरह से अपनी जो भूमिका है वो निभाई है। क्या ये भंडारी जी कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस अकेली चाहती तो इन बिल, जो ये बिल आए हैं, उनको पास कर सकती? नहीं कर सकते थे। हमने के बिना भी हमने बिल पास, हमने बिल पास करवाए हैं, अगर ये चीजें आई हैं तो। लेकिन जिस प्रकार से आप इन बिलों को इलेक्शन से पहले लाकर इलेक्शन स्टंट का काम करते हैं वो पूर्णतः गलत है। मतलब राहुल गांधी, ये वाकई क्या इन बिलों को खास तौर पर चुनाव से पहले लाया जा रहा है ताकि उसका फायदा मिल सके? संजीव जी, क्या दोनों भाषण को अगर हम देखें तो सिर्फ ये है कि चुनाव सर पर हैं, सो उसका फायदा लेना है, नरेंद्र मोदी जमकर निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर, और राहुल गांधी जो है वो अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाषणों से कुछ नहीं होता, हमने तो काम किया है, हमने गरीबों के लिए काम किया, हम आगे भी जो योजनाएँ लेकर, योजनाओं की भी हम बात कर रहे थे कि ये भी सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले ये योजनाएँ क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? देखिए, जो भी कोई भी योजना आएगी तो उसका लाभ तो मिलेगा, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल का लाभ किसानों को है। अब ये बिल आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो भूमि अधिग्रहण होगा उसमें जो भाव हैं, जो रेट्स हैं, अब तो वो मार्केट भाव से डबल और जो भी है उसका लाभ मिलेगा। सवाल ये है कि चुनाव जो इस बार होने जा रहा है वो इस मसले पे नहीं होने जा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, चुनाव में तमाम मुद्दे हैं, चुनाव में एक मुद्दा ये है कि पूरी दुनिया बदल रही है। 10 साल जो भारतीय प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व रहा है वो व्यक्तित्व भी लोगों के बीच मुद्दा है। ये तमाम सारी चीज़ें हो रही है, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। अगर चाइना घुसपैठ की भी बात हुई है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं हुआ, मीडिया में आता है घुसपैठ हो गया। पाकिस्तान के साथ जो भी संबंध हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी का अप्रोच कल थोड़ा सा बदला हुआ था, लेकिन उनकी पार्टी का अप्रोच थोड़ा सा उस लाइन पर नहीं है। दूसरा, एक कंपेयर हो रहा है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का, वो कंपेयर कई फ्रंट पर हो रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर आप वाच करें तो भारतीय जनता पार्टी आज तक ब्राह्मणों और बणियों की पार्टी मानी जाती है पूरे देश में, और जो आरएसएस कंट्रोल्ड बाय टोटल ब्राह्मण है, आरएसएस के टॉप लेवल पे नॉन ब्राह्मण आप उम्मीद नहीं कर सकते जी। और पहली बार ऐसा आरएसएस ने या बीजेपी ने मजबूरी में फैसला लिया हो, मोदी का कुछ ऐसा प्रेशर इतना ज़्यादा है, और मोदी की एक बड़ी खासियत मैं बता रहा हूँ जो बाहर के लोगों को नहीं पता,
कि मोदी पार्टी के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पक्ष को मजबूत करने में माहिर हैं शुरू से। ये 1980 से जब से वो गुजरात की राजनीति में हुआ है, नतीजा तो नहीं कि उन्हें आज प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। आप मान के चलिए कि जब वो उत्तर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो संघ के तीन बड़े अधिकारी गुजरात के टॉप लेवल पे उनके विरोधी थे। भास्कर राव दामले जो प्रांत के जो सबसे बड़े संघ के अधिकारी थे उनके विरोधी थे, उसी संघ ने अब उन्हें आगे किया है। संघ की अपनी मजबूरी है। 2009 में आपने एलके अडवाणी को संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ रखा, भाजपा की सीटें घट गई। संघ के पास ऑप्शन क्या है? संघ के पास आज बताइए कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय नेता है जो वोट को कैच कर सकता है, वोट को अपने पक्ष में ला सकता है? नरेंद्र मोदी को रेवाड़ी में सुनने आ गए, एक मिनट में बात करो, नरेंद्र मोदी को रेवाड़ी में इतने लोग जो सुनने आए हैं, अगर यही एलके अडवाणी है तो क्या होता? एलके अडवाणी कितनी वो तो इसीलिए बीजेपी ने ये बीजेपी ने अपने कंपल्सन किया है। नरेंद्र मोदी का जो एक है कि एज ए संगठन के तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी विपरीत परिस्थितियों में काम किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संघ को मजबूर किया कि हमें नेता मानो, मुख्यमंत्री के तौर पर भी और संगठन में जब रहते हुए भी उन्होंने उनके विरोधी तमाम लोग रहे, संजय जोशी लोग उनके, संजय जोशी ऐसे जो संगठन मंत्री राष्ट्रीय स्तर पर थे उन्होंने उनका विरोध किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अंदर से उनका विरोध कर रहे थे लेकिन वो कैंडिडेट बने। और वो कैंडिडेट बनने का जो भाजपा को जो सबसे बड़ा जो लाभ होता दिख रहा है कि एक मैसेज ये जा रहा है कि एक गरीब का लड़का है। देखिए ये हरियाणा पंजाब में माने ना माने लेकिन मैं बिहार से हूँ, बिहार उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ दो तरह की बातें चल रही है निचले स्तर पर, कि बैकवर्ड कम्युनिटी का फर्स्ट टाइम भारत में कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना है जो पिछड़ी जाति से है, ठीक, गैर ब्राह्मण बनिया और अपर कास्ट के अलावा इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे कोई पहुंच नहीं सकता, ठीक है कि नहीं? इसका भी फायदा मिल, इसका फायदा उत्तर प्रदेश बिहार में मोदी को मिल रहा है। इससे आतंकित नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के विरोध का क्या मतलब है? नीतीश कुमार 15-20 सीट जीत के भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी का क्यों विरोध कर रहे हैं? एलके आडवाणी जो बाबरी मस्जिद गिराने के जो जिम्मेवार हैं वो सेकुलर राज कैसे हो गए और नरेंद्र मोदी कम्युनल कैसे हो गया? भाई अगर आप कम्युनलिज्म की परिभाषा देखेंगे, अब कहीं और जा रहा है, नहीं मैं यही बात बोल रहा हूं, इसका लाभ ये उसको नरेंद्र मोदी का लाभ भाजपा को ये जातिगत आधार पे कोई माने या ना माने। और नरेंद्र मोदी का जो गुजरात का एक परफॉर्मेंस है, भाई दो बार जीता है, चाहे जिस तरह से विकास का जो मॉडल गुजरात में है वो क्या केंद्र में, तरुण जी लगता है कि कांग्रेस अब इन पूरी चुनौतियों के लिए तैयार है? जिस तरह से नरेंद्र मोदी को पेश किया जा रहा है, अभी तक तो विकास की दुहाई सिर्फ गुजरात की ही दी जाती है, नरेंद्र यहाँ कांग्रेस ने है इतने सालों से पूरे देश में शासन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी लोगों में तो बाद में माने जाएंगे, पहले इनके बीजेपी के लीडर ही उनको प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं मानना चाहते। अडवाणी जी कार में बैठते हैं और नीचे उनके सीनियर लीडर हैं जिन्होंने वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने बीजेपी को सींचा है और आज इस यहां तक लेके आए हैं, वो लीडर उनको नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज जी तीन बार तारीफ की है, आप देखिए वरिष्ठ नेता है अडवाणी जी, पार्टी के सुषमा, एक मिनट बात तो करना, अगर बीच में बोलोगे मैं भी, संजीव पाटिल जी भी ये कह रहे हैं कि अभी लोग ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। एक मैं इसे बड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि एलके अडवाणी की जहाँ तक बात हो रही है, एलके अडवाणी कल बदल गए छत्तीसगढ़ जाते जाते नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद फिर अब बात होती है कि सुषमा स्वराज के, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ कि सुषमा स्वराज जो हैं, सुषमा स्वराज हरियाणा के रहने वाली हैं, हरियाणा से लोकसभा नहीं जीतती, वो मध्य प्रदेश की सबसे सेफ सीट मांगती हैं। अरुण जेटली आज तक लोकसभा लड़े ही नहीं, अब बताइए कि भाजपा और संघ के पास कौन विकल्प है नरेंद्र मोदी के अलावा? जो चुनावी 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 अब घोषणा हो चुकी है, अब ये तो वो है कि आप कुछ जो भी जो निकल कर आ रहे कि विकल्प नहीं है इसलिए चुनना पड़ा। पांडे जी बोल रहे थे, जब पांडे जी ने माननीय मोदी जी के बारे में जितना बोला कि उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरह की हवा है, और पांडे जी ने कहा कि ब्राह्मण या बनियों की पार्टी रही है, नहीं ऐसा नहीं है, हर वर्ग को उतना ही सम्मान और स्थान दिया गया है। मैं दलित वर्ग से आता हूं, मुझे पूरा सम्मान मिलता है, मैं प्रदेश के कार्यकारिणी में हूं, प्रदेश पदाधिकारी हूं, ऐसी बात नहीं है, हर वर्ग को सम्मान मिला है भाजपा में। और परिवारवाद की जो राजनीति का सिलसिला कांग्रेस से चला आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मामूली कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और प्रदेश का किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। संजीव हरियाणा में बीजेपी की हालत क्या है हमें पता है, 90 में से सिर्फ 4 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में आपके पास एक भी सीट नहीं है, क्यों? देखिए पिछले चुनाव में जो हुआ वो सब पूरे 5-4 साल का एक
समय चला गया, लेकिन जो आपने रेवाड़ी में देखा, ऐसा क्या हो गया अब चार साल में कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा में गलत नीतियां, मैं हरियाणा की बात कर रही हूं, हरियाणा में कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे आप लोग? कांग्रेस की गलत नीतियां, हुड्डा सरकार की गलत नीतियां, हुड्डा सरकार ने किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं वो जग जाहिर है। सारा विकास रोहतक झज्जर सोनीपत तक सीमित कर दिया, सारी नौकरियां झज्जर रोहतक सोनीपत तक सीमित कर दी, ये सबको पता है, पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। इनकी शैलजा जो सांसद है लोकसभा की, वो चीखे मारती हैं, वीरेंद्र सिंह चीख चीख कर चुप हो गए हैं, ईश्वर सिंह वो चुप नहीं हो रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह, बताइए पूरे विकास का जो भेदभाव है वो हो रहा है। पांडे जी जब बोल रहे थे कांग्रेस मोदी जी के बारे में, डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, हमारे तो यहाँ बोल सकते हैं, आपके गुजरात में जो बोलता है उसको तो बोलने भी नहीं दिया जाता। आप देखिए, और भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सुषमा स्वराज जी सेफ सीट ढूंढती हैं, अरुण जेटली जी के पास कोई सीट नहीं है, और मोदी जी सिर्फ गुजरात के लीडर हैं, इनके पास कोई लीडर तो है नहीं, और ये साधारण आदमी की बात करते हैं। हरियाणा की बात करूं, तरुण एक मिनट, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, आपको लगता है कि अब कांग्रेस को खतरा है? बिल्कुल नहीं। मैं ये आप देखना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। रेवाड़ी रैली के बाद कुछ रैलियों में आप बीएसपी के भी उतना रश देखते हो, कुलदीप जी की रैली होती है उसमें भी उतना रश होता है, बीजेपी की रैलियों से आप नहीं एक सिस्टम समझ सकते। पिछले लोकसभा चुनाव में जो पिछला चुनाव हुआ 2009 में, तब भी इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई थी, और आप कर्नाटक में देख लो, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ राहुल जी को ये दहाड़ के कहा था कि ये यहाँ आए हैं। पर गुटबाजी के आरोप तो आपके पार्टी के अंदर नहीं, हमारे डेमोक्रेसी है, हम ऐसे नहीं करते। हमारा अगर कोई मनमोहन मतलब सिंह जब नेता बोलते हैं तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र है, सबको अपना बात रखने का हक है, 100% हक है। आप बताइए, आप एक चीज बताइए, अब मोदी जी को इन्होंने नाम प्रोजेक्ट किया, अडवाणी जी वहां जाते ही नहीं, हमारा कोई भी ऐसा लीडर नहीं, राहुल जी आए थे पीछे पंचकूला में तो सब लीडर वहां मौजूद थे, आप बताइए नहीं थे? चौधरी वीरेंद्र सिंह भी वहां थे, शैलजा जी भी वहां थे, रविंद्रजीत सिंह भी पहुंचे थे। देखिए वैसे कोई उनको कोई मजबूरी हो सकती है? एक बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं, लोकतंत्र की दुहाई दोनों पार्टियां न दें। सीताराम केसरी को किस ढंग से जलील करके पार्टी से निकाला गया था भंडारी जी को पता होगा, सीताराम केसरी और भी तमाम नेताओं को, नरसिम्हा राव के शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी और जहां तक बात है ना, हरियाणा कांग्रेस की जहां तक बात है, हरियाणा में सत्ता की बात है, 2009 में भी भाजपा के, 2010 में शायद हरियाणा में चुनाव हुआ था, भाजपा दस में हुआ था, विधानसभा 10 में हुआ, जब भी हुआ हो भाजपा के अगर कुछ नेता हरियाणा कांग्रेस के साथ फिक्सिंग नहीं करते तो भाजपा चौटाला और भाजपा की सरकार बन गई थी। और मैं कहता हूं कि हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत अगर पॉपुलर रहते, 31 के पास थी, हाँ, और 40 कांग्रेस के पास थी, हाँ, सीटें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीटें 70-66 से घट के 40 पे आ गई थी। अगर इतनी पॉपुलर सरकार होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलती। किस तरह से 5 विधायकों को तोड़ा गया, 6 विधायकों को तोड़ा गया, सबको पता है। बात यह होता है कि भाजपा के तमाम नेता हरियाणा में फिक्सिंग करते हैं, ये बड़ी एक सच्चाई बात है, आधे कांग्रेस से फिक्स्ड है, और अभी भी जो अगर इनको वोट जो मिलेगा वो ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के कारण इनका वोट बढ़ सकता है, लेकिन वही वो अगर जाएगा कहां ये नहीं पता, ये जाएगा कल, हाँ, लेकिन हरियाणा के नेताओं के पास, पांडे जी को मैं पहले सुन रहा था, मैं इनको इंटरप्ट नहीं किया जब मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति है, तो लग रहा था कि एक निष्पक्ष पत्रकार बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये आरोप जो लगाया है कि फिक्सिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये झूठा सा आरोप लगता है। एक पत्रकार होने के नाते बता दिया, तारीफ इनको पसंद आती है, और एक पत्रकार होने के नाते इलेक्शन से पहले दो समझौते भाजपा के हुए, पहला इंडियन नेशनल लोकदल से हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता बीच में टूट गया इलेक्शन से पहले, इनेलो जो आप बोल रहे हैं, इनेलो अगर उस समय भी बिना शर्त भाजपा से अगर साठ गांठ हो गई होती कि ढंग से अगर चुनाव लड़ दिए होते तो हुड्डा की सरकार इतनी आसानी से नहीं आती, और उसके बाद हचका से समझौता करके 20 दिन बाद वो हचका से भी समझौता तोड़ा गया। अब समझ में नहीं आता है, जर्नलिस्ट में बोलता हूँ कि आखिर दो दो समझौते क्यों टूटे, ऐसी क्या कंपल्शन थी उस समय, यही सियासत है, शायद यही सियासत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनावी बिगुल बज चुका है, लिहाजा जागरूक मतदाता के तौर पर तैयार रहिए नेताओं को सुनने के लिए, क्योंकि देश के हित में, अपने हित में
फैसला तो आपको ही लेना है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।